इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अदर चार्जेस जो कि हम लोग इनवॉइस में लगाते हैं और उस पे टैक्स भी इम्पोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट इनवॉइस में कैसे किया जाए। तो इसके ट्रीटमेंट इनवॉइस में करने के लिए हम लोगों के पास में फोर ऑप्शंस हैं। तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस एक्सेल फाइल में मैंने फोर ऑप्शंस मेंशन किए हैं, और एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि ये सारे आपके जेसन के टैग्स हैं, या अगर आप एक्सेल फाइल मेथड यूज़ करें तो ये सारे एक्सेल फाइल के कॉलम्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ऑप्शन वन में है कि हम लोग जो भी फ्रेट या पैकेजिंग चार्जेस लगा रहे हैं वो हम लोग एज अ सर्विस ट्रीट करें। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी अदर चार्जेस टैक्सेबल नेचर के हैं उनको एज पर द ई इनवाइसिंग स्कीमा हम लोगों को उसको एक आइटम ट्रीट करना है, एक आइटम, एक लाइन आइटम उसको अपनी जेसन फाइल में बनाना है या एक्सेल फाइल में उसको एज अ लाइन आइटम बनाना है। तो फॉर एग्जांपल हमने फ्रेट चार्ज किया और जो कि टैक्सेबल है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि एक लाइन आइटम बनाए फ्रेट का और एक लाइन आइटम बनाए पैकेजिंग सर्विस का, और उसमें सर्विस को हम यस करें, वाई करें। सर्विस को वाई करने के बाद में, यानी कि ये सर्विस है तो हमें सर्विस का ही एचएसएन कोड डालना होगा। तो हमने फ्रेट का एचएसएन कोड डाला और पैकेजिंग का एचएसएन कोड डाला। उसके बाद चूंकि ये सर्विस है तो क्वांटिटी ब्लैंक रहेगी, ये सारी चीज़ें ब्लैंक रहेंगी। यूनिट प्राइस जो भी हमारा प्राइस है उनसे हम चार्ज कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, और आने के बाद में जो रेट ऑफ टैक्सेशन है, तो बहुत सारे लोग यही करते हैं कि जो रेट आइटम का होता है उसी रेट से ही टैक्स चार्ज करते हैं। तो हमने फ्रेट में भी 5% का रेट लिख लिया और पैकेजिंग सर्विस का भी 5% रेट लिख लिया। तो एक ये मेथड हो सकता है, बट हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये मेथड सजेस्टेबल नहीं है। लीगली वी डोंट सजेस्ट दिस मेथड। क्यों ये सजेस्टेबल नहीं है? क्योंकि इस मेथड में ड्रॉबैक ये है कि कुछ लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने एचएसएन कोड तो फ्रेट का डाला है या पैकेजिंग सर्विस का डाला है और उसके सामने जीएसटी रेट आप लोअर लिख रहे हैं, जबकि फ्रेट के केस में जीएसटी रेट या पैकेजिंग के केस में इस एचएसएन के अगेंस्ट में रेट हायर होता है। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो ई इनवॉइसिंग में इसकी क्रॉस चेकिंग नहीं होती है कि एचएसएन कोड के आगे जो हमने रेट लिखा है वो वैलिडेट नहीं किया जाता है, ये गवर्नमेंट ने अपने इंस्ट्रक्शन शीट में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग लीगली बहुत कंसर्न है कि उनकी ई इनवॉइस सही हो, तो ऐसे केसेस में उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे। बट फिर भी काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो फाइनल कंपनी या जो आपके क्लाइंट हैं या जो कस्टमर है उनके लीगल डिपार्टमेंट या जीएसटी कंसल्टेंट या ऑडिटर से एक बार कंसेंट लेनी होगी आप लोगों को कि क्या हम ये ऑप्शन वन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑप्शन वन मेथड के अलावा एक हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में क्या है कि हम सभी को लाइन आइटम बनाएं, फ्रेट को पैकेजिंग को भी लाइन आइटम बनाएं और एचएसएन कोड भी वैसे ही लिखें, बट रेट ऑफ टैक्सेशन जो एक्चुअल में पैकेजिंग का है वही रेट ऑफ टैक्सेशन लिखते हैं। इसी तरीके से फ्रेट को लोगों ने क्या करके रखा है, अब जीएसटी में फ्रेट की जगह लोग कोरियर चार्जेस अब लिख देते हैं, क्योंकि कोरियर चार्जेस का फ्लेट फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन होता है, तो यहाँ पे कोरियर चार्जेस का लोग एचएसएन डालते हैं, जो भी कोरियर चार्ज का एचएसएन होगा लोग वो डालते हैं। तो उस केस में ये जो लीगल एबनॉर्मेलिटी है वो दूर हो जाती है कि उसी एचएसएन के अगेंस्ट में उसी का ही रेट ऑफ टैक्सेशन आ रहा है। बट ऐसे केसेस में कंपनी को एक पॉलिसी चेंज की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे वो रेट ऑफ टैक्सेशन अदर चार्जेस में आइटम का ही ले रही थी वहाँ पे इस एचएसएन का रेट लेना पड़ता है। तो ये मेथड लीगली तो करेक्ट है, बट प्रोसेस वाइज कंपनी का कंसेंट या उनके ऑडिटर से कंसेंट लेनी होगी
कि क्या हम ये मेथड फॉलो कर सकते हैं कि हम फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन लगाएं। ऑल्टरनेटिवली क्या है कि ये जो लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि हमें रेट ऑफ टैक्सेशन आइटम का ही लगाना है, वो लॉ है कंपोजिट सप्लाई का, जीएसटी में कंपोजिट सप्लाई का। तो अगर हम उस लॉ को फॉलो करते हैं तो हम ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, फ्रेट या जो भी पैकेजिंग चार्जेस है उसको लाइन आइटम बनाएंगे और कंपोजिट सप्लाई लिख देंगे। और कंपोजिट सप्लाई लिखने के बाद में जो एचएसएन कोड है वो हम आइटम का ही डालेंगे, जैसे मैंने सोप या सर्फ का डाला, और उसको डालने के बाद में हम क्वांटिटी 0 लिखेंगे, यूनिट में ओटीएच लिखेंगे, और फिर रेट ऑफ टैक्सेशन हम जो भी इन दोनों का हायर रेट होगा वो हायर रेट लगा देंगे। लेट्स से हमारे 18% हायर रेट है तो हमने 18% जीएसटी का रेट लगा दिया। तो ये मेथड ज़्यादा क्लोज है कंपोजिट सप्लाई के लॉ को फॉलो करने के लिए, बट इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम एचएसएन कोड में आइटम का एचएसएन कोड क्यों डाल रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये लीगली करेक्ट है, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है, गवर्नमेंट फ्रेट को एज अ पार्ट ऑफ आइटम ही मान रही है, एज अ पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विस मान रही है उसको डिलीवर करने के लिए, तभी आपके केस में वो लॉ लगाया गया है कि आपको रेट ऑफ टैक्सेशन आइटम का जो भी हायर रेट है वो रखना है। तो क्वांटिटी चूंकि कोई भी सर्विस डिलीवर नहीं हो रही है तो क्वांटिटी हमने 0 लिख दिया, और यूनिट प्राइस, यूनिट हमने ओटीएच लिख दिया, अदर्स लिख दिया, और यूनिट प्राइस हमने ये लिख दिया। तो कंपोजिट सप्लाई के लॉ को फॉलो करने के लिए एक ये मेथड हो सकता है जिसमें आपको सर्विस नो करनी है, एचएसएन कोड मेन आइटम का ही डालना है, क्वांटिटी 0 करनी है, और जीएसटी रेट मेन आइटम का ही रखना है। फोर्थ ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा लीगली करेक्ट है, मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन है, ये मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन है, और जितने भी बड़े बड़े ERPs हैं या KPMG, PwC या जो गुड GST कंसल्टेंट्स हैं वो इस मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं। इस मेथड में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको अपनी इनवॉइस समझिए, इस इनवॉइस में आपके 4 आइटम्स हैं अदर चार्जेस के, तो 4 आइटम्स अदर चार्जेस के हैं, तो आपको इनवॉइस जैसे आप बना रहे वैसे ही बनाएंगे, बट हम क्या करेंगे कि ये सारे अमाउंट को हम प्रपोर्शनेट कर देंगे या अपोर्शन कर देंगे हमारे लाइन आइटम्स में फॉर द पर्पस ऑफ इनवॉइसिंग। तो जब इनवॉइसिंग में जब डेटा जाएगा तो जो हमने 6000, 3000, 9000 हो गया, 9 + 2 = 11 + 4 = 15000 के चार्जेस ना अपोर्शन कर देंगे। तो अपोर्शनमेंट कैसे किया, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन है, तो ये आप देख लीजिएगा जो मैंने अजम्पशन और अपोर्शनमेंट मैंने किया है। तो अपोर्शनमेंट हम लाइन आइटम में कर देंगे, यानी कि जो हमारी 10,000 की जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू वो बढ़ के 15,000 हो जाएगी, और जो हमारी वैल्यू है 20,000 वो बढ़ के 30,000 हो जाएगी। हमने चार्जेस को अपोर्शन कर दिए, 20,000 10,000 यहाँ हमने अपोर्शन किया, 5,000 यहाँ अपोर्शन किया, रेशियो हमारा था 15:30, यानी टैक्सेबल वैल्यू के रेशियो में हमने अपॉर्शन कर दिया, और हमने बैक कैलकुलेशन करी यूनिट प्राइस की बैक कैलकुलेशन करी, और फिर उसके हिसाब से हमने ग्रॉस अमाउंट को कैलकुलेट किया। तो ये मेथड काफ़ी प्रेफरेबल मेथड है और गवर्नमेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टैली भी अपने सॉफ्टवेयर में इस मेथड को अडॉप्ट करती है, सिलेक्शन का ऑप्शन देती है कि यूज़र को अप्रोप्रिएट मेथड में जाना है तो वो इसी तरीके से क्लासिफाई करती है जेसन फाइल को। तो ये मेथड भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी ई इनवॉइस में तो 10,000, 20,000 और ये आइटम्स आ रहे हैं, और हमारी टैक्सेबल वैल्यू जब हम ई इनवॉइस में देखते हैं तो 15,000, 30,000 आ रही है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल लीगली करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी इवेंचुअल जो असेसेबल वैल्यू है 45,000 की, अगर आप इसका टोटल करें 45,000 आएगा, तो 45,000 का ही असेसेबल वैल्यू ई इनवॉइस में आएगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो ग्रे कलर का हाईलाइटेड पोर्शन है,
ये ऐसा ही आपका ई इनवॉइस दिखेगा, और ये जो व्हाइट कलर का हाईलाइटेड पोर्शन है या कि एक्चुअल इनवॉइस जो प्रिंट ले रहे हो, वो ऐसा दिखेगा। बैक एंड में अपॉर्शनमेंट हो रहा है, अपॉर्शनमेंट होके हमारी यूनिट प्राइस भी बैक कैलकुलेट हो रही है, और देन उसके बाद ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। तो जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन वन या ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, जो भी आप लोगों को मेथड सही लगे वो मेथड आप अडॉप्ट कर लीजिए। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये सैम्पल एक्सेल फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं हाइपर लिंक मैं दे रहा हूँ, और उस हाइपर लिंक को क्लिक करके या ओपन करके आप इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करा सकते हैं। अगर आपको इनवॉइसिंग करते समय किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी हो, या कोई भी चीज़ लीगल एस्पेक्ट में समझनी हो, या फिर आपको कोई एपीआई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप हम लोगों को 7236828344 पे बात कर सकते हैं, और आप कुछ भी कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं। माई जी एस टी कैफे इनवॉइसिंग सॉल्यूशन आप लोगों को हेल्प करता है इनवॉइस को डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर या ईआरपी से जनरेट करने के लिए, वो भी विद इन 1 to 2 सेकेंड्स में। ये पूरा 100% ऑटोमेटेड प्रोसेस है, और साथ ही साथ हमारी टीम में टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं एक लीगली कंप्लाइंट इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। और साथ ही अगर आपको इनवॉइस इंटीग्रेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फुल टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास में मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं इंटीग्रेशन के लिए। जैसे आप एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं, एफटीपी के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सेल बेस्ड इंटीग्रेशन है, एक अलग से क्लाउड सॉफ्टवेयर भी है इनवॉइसिंग का, इनवॉइसिंग कनेक्टर्स हैं, फ्री एसडीकेस देते हैं हम लोग डेवलपर्स को, डीएलएल देते हैं, सोर्स कोड्स देते हैं। साथ ही साथ पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो किसी भी ईआरपी में डिप्लॉय हो सकता है, लेटेस्ट से लेटेस्ट, चाहे वो एसएपी, ओरेकल, नेविजन, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स हो, या फिर कोई लेगेसी सॉफ्टवेयर हो जो कि पीएचपी, .NET, विजुअल बेसिक्स, फॉक्स प्रो, या इवन डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर में भी हमारी एपीआईज इंटीग्रेट हो जाती हैं। हम लोग लाइसेंस जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर हैं इनवॉइसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप www.mygstcafe.com पे मेल करें, विजिट करें, या sales@mygstcafe.com पे ईमेल करें, या फिर 7236828344 पे फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कॉल करें। थैंक यू।